हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में सभी दोस्तों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं दिखा रही हूँ मेरे हस्बैंड की टी शर्ट थी जो उनको टाइट आ रही थी, तो मैंने उसको बना बनाया कैसे जो उनकी कुछ भी नहीं आ रही थी। मैंने ये भी गले की टी शर्ट थी दूसरे वाले उनकी सेम, ये बाजू थी ऐसे, देखिए ये जो वी गले का था ये नीचे से टी शर्ट है। तो मैंने दूसरी टी शर्ट थी सेम ऐसे, उस टी शर्ट को मैंने ले लिया। देखिए ऐसी टी शर्ट थी, तो मैंने इस टी शर्ट को ऐसे ले लिया। तो ऐसे यहाँ से जो वी शेप थी मैंने आपको दिखाया था, वो मैंने यहाँ से वी शेप में गले को कट कर लिया जहाँ पे बटन आ रहे थे। दिखाती हूँ, देखिए ये वी शेप का गला। इंच टेप से मैंने इसको नाप लिया था, 2.5 इंच का लिया था मैंने इसको, 5.5 इंच का, क्योंकि टी शर्ट का इतना ही चलता है। तो ये देखिए, ये मैंने ऐसे इसका कॉलर यहाँ से हटा दिया था, ऐसे इसको हटा दिया था। देखिए ये इतना था इसकी चौड़ाई थी, ये वी शेप थी यहाँ पे। ये मैंने इसको कट कर दिया पूरे को, देखिए ऐसे ऊपर से पूरा उतार दिया था मैंने, और जितना ये था मैंने इसको यहाँ पे वी शेप में दे दिया, वहाँ से मैंने बटनों की जगह पे। अब मैंने नापा इसका मोढ़ा, मोढ़ा इसका ज़्यादा था तो हम लेडीज का कम होता है, तो मैंने यहाँ पे 4.5 का लिया है। ऊपर से मैंने इसको 2 इंच पट्टी को उतार दिया था क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा थी। ये इतना मैंने इस पट्टी को उतार दिया था, काट दिया था कटिंग में, और वी शेप का जो ये गला दिख रहा है इससे मैंने ले लिया था, ये उतार दिया था मैंने, इसको काट दिया था। तो बाजू की मैंने कर ली थी कटिंग, क्योंकि मुझे 5.5 या 6 इंच की बाजू ही पसंद है, जबकि हस्बैंड की थी ज़्यादा बाजू थी, 8-9 की थी शायद। तो मैंने इससे इस शेप में इसको काट के कटिंग कर दिया था ऐसे, देखिए बस इसको ऐसे काट दिया था। ये देखिए इसकी लेंथ ज़्यादा थी 9 की, और जो मुझे पसंद है जिस दिन मैं पहनती हूँ ये थी 6 की है, तो 5.5 इंच का रह जाएगा क्योंकि 0.5 इंच दब जाएगा। मैंने इससे आगे कुछ नहीं काटा ना कुछ मोड़ा है बस। तो अब देखिए मैंने वी शेप में इसको ले लिया है, बिल्कुल एक जैसा करना है, सीधा बिल्कुल। अब मैंने यहाँ पे इसके नापने हैं मोढ़े, जहाँ से हम फिर बाद में बाजू जोड़ेंगे। तो 0.5 इंच ऊपर मोड़ देते हैं, तो ये बन रहा है मेरा 8.75 का बन रहा है। तो ऐसे ही हमने बाजू का देख लेना है कितना है, तो बाजू का ही मेरा हो जाएगा इतना ही कटिंग करने के बाद, इतना थोड़ा सा खींच के हो जाता है, ज़्यादा नहीं खींचना है। देखिए पूरा पूरा है बिल्कुल, ये तो मैं इसको बिल्कुल सीधा कर लेती हूँ। देखिए अब मुझे देखने में लेंथ कितनी चाहिए, मुझे लेंथ ये रहेगी मेरी 23 की रहेगी, तो 22.5 की रह जाएगी, तो सही 0.5 इंच मोड़ने में आ जाएगा। इतनी लेंथ मुझे बहुत सही, मैंने नीचे से काटा नहीं है इसको। तो अब देखिए हम इसकी बनाएंगे गले की पट्टियाँ, गले की पट्टियाँ कैसे कट करते हैं, तो मैं इसको कर लेती हूँ अभी सीधा। ये देखिए मेरे गले की गोलाई है, तो मैंने इसको लिया 2.5 हिस्सों में, 2 तह में इसको मोड़ देते हैं। 2 तह में मोड़ने के बाद आप अगर वाइट कलर का चाहे तो वाइट कलर का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज बाजू की कटिंग में से बचाओ तो वो भी ले सकते हैं। मेरे पास वो है नहीं, काफ़ी टाइम से गुम हो गया था, तो मेरे पास ब्लैक कलर का कपड़ा बचा हुआ था, तो मैंने ब्लैक कलर का इसमें ले रही हूँ, तो उसको मैं फोल्ड कर लूँगी डबल में किनारे पैसे।
जो कॉर्नर होता है ना वहाँ से कर लूँगी। तो ये मैंने इसको डबल कर दिया। अब मैंने नीचे वाली टी शर्ट को उठा के बंद वाले की साइड मैंने इसके ऊपर रख दिया है। जहाँ से बंद होता वहीं रखना है, खुले की साइड में नहीं रखना वरना बीच में जोड़ लगाना पड़ेगा। तो बिल्कुल एक जैसा करके मैं इसको रख लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसको रख लिया। अब रखने के बाद मैं इसको निशान लगा लेती हूँ। उसके बाद ये देखिए निशान लगाने के बाद 1 इंच पे मैंने निशान लगा लिया, 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़े पे बंद वाले साइड। अब मैं इसको काट देती हूँ। ये मैंने इसकी कर दी है कटिंग। पहले पिछले वाली लाइन को काट रही हूँ, अब आगे वाले को। ये मेरी बन गई है आगे वाले गले की पट्टी। तो इसको मैं रख देती हूँ अभी साइड में। तो अभी मुझे चाहिए पीछे वाले गले की पट्टी। तो पीछे वाला गला कैसे बनाना है? पीछे वाला ऐसे बनाना है कि जैसे कि अगर हम उसकी कटिंग नहीं करेंगे तो वो हमको है ना ऐसे टाइट टाइट सा लगेगा यहाँ पे बैक से गर्दन के नीचे से। देखिए ये बिल्कुल सीधा है, मैंने इसको कट नहीं किया था पहले। अभी मैं इसको कट करूँगी। तो मैंने इसको बिल्कुल सीधा रखना है। तो मैं इस पर ले लेती हूँ 1 इंच की कटिंग में बीच से। तो मैंने इस पर 1 इंच में निशान लगा दी और वहाँ पे जाके मोड़ दिया। सिर्फ बीच से ही लेना, वहाँ पे जाके मोड़ देना। मैंने इसको निशान लगा लिया। मैं इसको काटती हूँ। ऐसे ये सही नहीं कटता है। तो अगर आप बिल्कुल एक जैसा चाहते हैं तो इसको क्या करना है, इसको मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद इसको कट कर लेंगे। उधर से भी कर सकते हो, बंद वाले की साइड से भी कर सकते हो आप। तो मैंने इसकी कर दी है कटिंग। तो अब ये मेरे गले की दोनों की हो चुकी है कटिंग। और अब निकालेंगे पीछे वाले गले की पट्टियाँ। इनमें से कोई भी बचे हुए पीस में से आप अपने बैक साइड के गले की पट्टियाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें से थोड़ी चाहिए हमको, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो रेब की बोलते हैं जिसको, रेब की गले की। तो ये देखिए मैंने इसको सिर्फ सीधा किया है और यहाँ पे निशान लगा दूँगी मैं। देखिए मैंने निशान लगा दिया। अब मैंने इसको ले दिया है 1/4 इंच का। वो 1 इंच का लिया था, 1/4 इंच का लिया। आप 1 इंच भी ले सकते हो। तो ये कर दिया मैंने कटिंग, निशान लगा दिया है। अब मैं इसको कर रही हूँ कट। देखिए अब मैंने इसको कर दिया कट। ये हमारा हो गया। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने उसको काटा नहीं, ऐसे ही ले लिया था। तो अब मैं इसको सिलती हूँ। सबसे पहले मैं ले रही हूँ अपना ये टी शर्ट का आगे वाला गला। तो मैंने इसको सीधा किया, सीधे के साइड मैंने इसको ले लिया। तो मैंने जो कटिंग की थी 1 इंच की उसको उठाया है। तो उसको उठा के मैंने इसके ऊपर लगा दिया। बीच का कॉर्नर होता वहाँ पे आप कट का निशान भी कर सकते हो, पर मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। आपको प्रॉब्लम आ सकती है तो आप कर सकते हो, ताकि हमें याद रह जाए कि हमें उसी कट पे मोड़ना है। तो मैं इसको सिल रही हूँ। सिर्फ एक पैर की ही सिलाई अंदर लेनी है। ये देखिए मैं इसको सिल रही हूँ, एक पैर के अंदर सिलाई ली है। और ये जो गोल था यहाँ पे देखिए मेरा बिल्कुल कॉर्नर आ चुका है। मैंने यहाँ पे कट नहीं किया था। अब आ चुका है मेरा बिल्कुल बीच में सिलाई। बस यहाँ से फिर हम इसको मोड़ देंगे। 1 इंच भी सिलाई देनी है। कोई सिलाई रह जाए तो बाद में उसको चेक कर सकते हैं, अंदर और दबा सकते हैं, क्योंकि एक कपड़ा कॉटन है और दूसरा थोड़ा।
दिया है। तो अब मैं इसको कर देती हूँ कट यहाँ से। तो मैं इसको चेक कर लेती हूँ कहीं कोई सिलाई तो नहीं रहेगी। पहले क्या करना है हमें, मैंने यहाँ पे छोटे छोटे कट देने हैं ताकि मोड़ने में सही रहेगी। ज़्यादा कट नहीं देना, टेढ़े कट ही देने हैं, सीधा कट नहीं देना, सीधे से सिलाई निकल जाती है। अब देखिए ये रह गई है, छूट गई है, तो मैं इसको दोबारा से करती हूँ। जैसा मैंने पहले बताया था आप चेक कर सकते हैं, तो रह जाएगा दोनों कपड़ों में फ़र्क नहीं रह जाता। तो मैंने इसको भी कंप्लीट कर दिया है, तो इसको काट देती हूँ। ये हो गई है पक्की सिलाई। तो अब जैसा मैंने बताया था कि कट देने हैं, तो आप इसमें कट दे सकते हैं टेढ़े, सीधा नहीं देना। जितने से कट देंगे तो आपको आपके गले में सफाई आ जाएगी, चाहे सूट हो चाहे टी शर्ट हो कोई भी चीज़ हो। तो अब मैं इसको मोड़ लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है पाइपिंग वाले सूट या गले या टी शर्ट जो भी है, ख़ास ब्लैक हो तो ब्लैक, जेड ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है कपड़ों में। तो मैं इसमें थोड़ी सी पाइपिंग निकाल देती हूँ, और ये पाइपिंग बहुत सफाई से आती है। आप मोटी अपने हिसाब से रख सकते हो, पतली भी ले सकते हो, मुझे पतली पसंद है तो मैं यहाँ पे पतली ले रही हूँ। तो ये देखिए दिख रही है आपको कितनी सुंदर पाइपिंग निकली है। तो बस ऐसे ही आपको इस पर, ये देखिए कितनी सुंदर पाइपिंग निकली है। तो आपकी भी ऐसे ही निकल सकती है, मोटाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। पूरी को मोड़ना है, झोला है तो भी कोई बात नहीं, पर इसमें पाइपिंग में झोला नहीं आता है, लेकिन अगर आ जाए फिर भी कोई बात नहीं है। ये देखिए मेरी पाइपिंग कितनी सुंदर निकली है, आपकी भी ऐसे निकल सकती है। तो मैं इसको काट लेती हूँ यहाँ से। अब क्या करना है हमें इसको मोड़ना है। देखिए ये निकल गई सुंदर पाइपिंग, गला बन गया। अब हमें क्या करना है, इसको मोड़ना है। आप चाहे तो इसको आप तुरपाई भी कर सकते हो, लेकिन टी शर्ट है तो सिलाई करना वो जरूर, ऐसे करके भी आप सिलाई लगा सकते हो। पर थोड़ी सी सफाई के लिए मैं इसको अंदर की साइड मोड़ देती हूँ सिंगल को, और मैं इसमें मोटी सिलाई करूँगी। तो मैं इसको सील रही हूँ, इसमें झोला आएगा आपका। ये नहीं सोचना है कि झोल कैसे आ गया, क्योंकि इस कटिंग में झोल आता ही है। तो आपको क्या करना है, चुन्नटें देनी है, ऐसे आप इसमें चुन्नट दे सकते हो। अगर आ रहा तो, नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आ रहा है तो आप इसमें चुन्नटें दे सकते हो। तो मैंने ये वाली सिलाई कर दिया कंप्लीट। सिंगल कपड़े को ही डबल करके मोड़ना वहाँ पे, तो मैं इसको कर लेती हूँ कट। तो ये देखिए ये मैंने इसको मोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको सीधे की साइड सिलाई करूँगी, सिलाई करूँगी आधा इंच तक। देखिए आप तुरपाई भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे आधा इंच सिलाई ही करती हूँ, तुरपाई में भी बड़े झंझट बढ़ते हैं। तो मैंने इसको कर दिया है आधा इंच पे सिलाई, गोल गोल कुछ नहीं आएगा आपका, ये बिल्कुल बहुत अच्छा सिलेगा। प्रेस होने के बाद बिल्कुल ऐसा जच जाएगा बढ़िया से। तो ये अब इसको हम छोड़ देते हैं यहीं पे। अब मैं इसको कर लेती हूँ। ये देखिए ये मेरा गला बन के तैयार हो चुका है, तो इसको कट कर लेती हूँ। ये गला बन चुका है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है।
वी शेप का था, पर मैंने थोड़ा उसको गोलाई में काट दिया था क्योंकि मुझे ऐसे टाइट टाइट सा लग रहा था। तो अब देखिए पिछले वाले गले में क्या करना है, पिछले वाले गले में कुछ भी नहीं करना है। ये आपको ये ले लिया गले की पट्टी, और आपको ये आपके इसको डबल में फोल्ड कर देना है। ऊपर की साइड झोल आएगा आपका, क्योंकि नीचे की साइड से हमने कटिंग ली थी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बस ऐसे डबल करके मोड़ सकते हैं, सिंगल भी मोड़ सकते हैं जैसे मैंने पहले वाले गले को मोड़ा था। पर जल्दी बन जाए तो मैं इसको डबल ले लेती हूँ। तो मैंने पीछे वाली गले की पट्टी को भी सील दिया है। ऐसे ही आपको डबल करके दोनों किनारियाँ लेनी है, बंद वाला इधर की साइड रखनी है। अभी मैं इसको सील देती हूँ, और ये पट्टी भी अपनी हो चुकी है पीछे वाले गले की कंप्लीट, ताकि उसको टाइट ना लगे। अब मैं इसको काट लेती हूँ। काटने के बाद हमें अब ये जो पीछे वाला गला था इस पर कुछ भी नहीं करना, इसको अंदर की साइड मोड़ना। आप चाहे तो पाइपिंग निकाल सकते हो, बट मुझे आगे के गले में ही पाइपिंग सही लगती है, तो मैं इसको मोड़ लेती हूँ। आपको क्या करना है, इसको अंदर की साइड मोड़ना है, और जो सिलाई है उसको अंदर की साइड खींचना, बाहर की तरफ नहीं निकलने देना। सूट में भी ऐसा ही होता है, टी शर्ट में भी ऐसा ही है, बाहर नहीं दिखनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता, फिनिशिंग नहीं दिखती है उससे। तो आपको अंदर की साइड लेना है। देखिए ऐसा है, पाइपिंग भी ऐसे निकल सकती है, मैं नहीं निकाल रही हूँ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको अंदर की साइड कर रही हूँ। तो मैंने इसको क्या अंदर की साइड, वो पाइपिंग जैसे जैसे वहाँ पे काली वाली निकली थी, तो यहाँ पे वाइट कलर की दिख रही है, लेकिन वो वाइट कलर की निकली नहीं, अंदर की साइड में उसको मोड़ रही हूँ। दोस्तों शॉर्ट वीडियो बनाना चाहती हूँ, बहुत लेट हो जाती है, सॉरी उसके लिए। तो मैंने इसको काट दिया अभी यहाँ से। अब मैं लेती हूँ ऊपर से कंधे, कंधे को जोड़ लेती हूँ। जो भी थोड़ी बहुत पट्टी निकली है उसको हम काट सकते हैं, धागे वागे निकले उनको हम काट सकते हैं। तो अब मैंने इनको बिल्कुल एक जैसा पकड़ लिया, तो मैं करती हूँ इसकी सिलाई। मैंने नीचे से कटिंग टी शर्ट कट नहीं की थी, वैसे अगर आप चाहें तो आप काट भी सकते हैं, तो मैंने ऐसे बंद की बंद छोड़ दी थी। तो ये देखिए, अब मैं नीचे की साइड से मैं लूँगी इसको सिलाई में 1 इंच लूँगी, और ऊपर की तरफ आते हुए मैं 1/2 इंच कर दूँगी इसको, ताकि हमारा गला खींचा खींचा ना लगे। तो मैंने उधर से 1 इंच लिया है, और यहाँ पे आगे पे आके मैं इसको कर दूँगी ख़त्म। कई बार धागे में प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे ही। तो ऊपर की साइड मैंने इसको 1/2 इंच पे ख़त्म कर दिया। वापस से घुमा लेती हूँ, ये देखिए मैंने इसको नीचे 1 इंच पे छोड़ दिया है। अब मैं इसको कर लेती हूँ, कर दूसरे वाले को भी ऐसा ही करना है। ऊपर से नीचे से 1 इंच, ऊपर 1/2 इंच पे जाके हमें वापस आ जाना है। ये देखिए हो चुका है, ये भी तैयार। ऊपर से मोड़े की गदी सिलाई, हमारा गला कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, हमने बना दिया है अपनी टी शर्ट का गला। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसे हार्ड तरीका भी आप चाहे तो जान सकते हैं, ताकि सिलाइयाँ ना दिखे, अंदर ही दब जाती हैं। पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी चलता है। तो अभी मैं ले लेती हूँ इसके बाजू, अभी बाजू पे बिल्कुल बीच में ये इसको मैं अंदर से काट देती हूँ। पहले मैंने कटिंग नहीं की थी, तो मैं इसको काट रही हूँ, ये उधेड़ लेती हूँ क्योंकि इसमें ना इंटरलॉक हुई हुई थी। पहले मैंने इसको उधेड़ा नहीं था, तो अभी मैं इसको उधेड़ रही हूँ। तो दूसरे वाले भी आपने ऐसा ही करनी है।
दूसरे वाले को भी उधेड़ देना। तो अब देखिए मैं इसको जोड़ रही हूँ बाजू को मोड़े के साथ। आपको क्या करना, जो बिल्कुल बीच का हिस्सा है उस पर आपको छोटा सा कट का निशान ले लेना है, ताकि आपको याद रहे कि ये बीच है बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे इस पर कैंची का निशान कट कर देती हूँ, वहाँ पे मोड़े की सिलाई है ये कंधे की जो हमने की थी। तो अब देखिए मैंने बाजू को किया है उल्टा, और यहाँ से मैंने कंधे को का जोड़ उठाया है और इस कट पे रखा है। इस कट पे आपको ऐसे रखना है, आप नीचे से भी ले सकते हो बट ऊपर से लोगे तो बिल्कुल सही सिलाई होगी आपकी। तो मैं इसको आधे को सिल रही हूँ यहाँ से कंधे से लेके यहाँ तक नीचे तक सिलाई को करते हुए। तो अभी देखिए मैं इसको मिला देती हूँ, ये छोटा बड़ा भी रह जाए तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नीचे का फर्क लग रहा है तो आप इसको खींच भी सकते हो एक पार्ट को, कोई भी अगर छोटा रह रहा है तो। देखिए तो मैंने इस पर कर दिया सिलाई, करने के बाद मैं अब करती हूँ दूसरे मोड़े की भी सिलाई। तो मैंने अब इस बाजू को जोड़ दिया है, देखिए ये अपना मोड़ा हो चुका है तैयार, ये अपनी बाजू बन गई है टी शर्ट की, गला बन चुका है। इस तरीके से जोड़ना है आपको, ये देखिए सीधा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ना इसमें कोई झोल है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सीधी बाजू जुड़ गई है आपकी। अब ऐसे ही मैं दूसरी बाजू को जोड़ लेती हूँ सेम। तो मैंने दूसरी बाजू को जोड़ने के लिए भी ऐसे ही किया, तो ये मेरा टॉप हो चुका है तैयार। टॉप भी बोल सकते हैं, टी शर्ट भी बोल सकते हैं। अब मुझे करनी है इसकी फिटिंग, क्योंकि हस्बैंड की फिटिंग थी मेरे की, तो उनकी तो टी शर्ट मुझे आएगी भी नहीं। आप ऐसे भी सीधा करके, आप अगर लूज पहनना चाहते हो तो ये कर सकते हो। तो मैंने इसको नीचे से कट नहीं किया था, आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं, आजकल लूज भी चल रहा है तो वो भी आप पहन सकते हो बना बना के। तो मैं कर रही हूँ इसकी फिटिंग। तो यहाँ से मैं नौ का निशान लगा लेती हूँ, लेकिन टी शर्ट है तो मैं इसको 9.5 पे रखूँगी। कमर मेरी 31 की है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको 32-32.5 तक रखूँगी, क्योंकि टी शर्ट लूजी अच्छी लगती है मुझे, ज़्यादा टाइट में पहनती नहीं हूँ। तो 32.8 ले लेते हैं इसको, 8 या 8.5। आप 1 इंच भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, इसको बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि उस पर एक पैर की सिलाई लग रही है, तो आप अपनी फिटिंग के हिसाब से ले सकते हो। तो मैंने इसको गोलाई में लेना है यहाँ पे अपनी फिटिंग को। तो नीचे से मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा है, ऐसे ही कर दिया बस सीधा, क्योंकि मुझे लूज लूज कपड़े अच्छे लगते हैं। बाजू जितनी भी चाहे आप वहाँ पे निशान लगा सकते हैं, अगर खुली पहननी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही आप सिलाई ले सकते हैं। जितनी नाप है उससे आपको 1/2 इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि लूज ही अच्छा लगता है टी शर्ट को। तो ऐसे मैंने दूसरे पे निशान दे दिया है फिटिंग का। तो अब मेरी ये टी शर्ट हो चुकी है तैयार, देखिए मैंने इसको कर दिया है, सील दिया फिटिंग को। ये मैंने ऐसे नीचे से ही छोड़ दिया था और कट नहीं किया है बीच में से, बाद में से। अगर आप कट करेंगे तो ये आपको ये झोल दिख रहा है ना, जो ये नहीं दिखेगा। आप चाहे तो अपनी टी शर्ट को आप ऐसे मोड़ के सीधा भी कर सकते हो, पर मैं ऐसे ही रखती हूँ। ऐसे भी कर सकते हो आप बिल्कुल सीधा, अंदर से कपड़े को काट देना। तो मेरी टी शर्ट में उनके हो चुके हैं तैयार। तो ये मेरी ब्लैक जींस के ऊपर मैंने डाल ली है,
आप चाहे देखिए कितना बढ़िया गला बना है इसका, और आप चाहे तो इसको ऐसे यहाँ से इतनी फिटिंग भी ले सकते हैं, पर मुझे लूज पसंद है तो ये मैंने अपनी ब्लैक जींस के ऊपर मैंने ये डाल दिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बताना मेरा तरीका आप लोगों का कैसा लगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।